वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न विद मिस्टर पांडे। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन रेगुलर एक्सप्रेशंस को देखेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो। हम लोग व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन, द रेगुलर एक्सप्रेशन इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिफाइन ए सर्च पैटर्न। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी एक सीक्वेंस होती है जो कि हमारी एक सर्च पैटर्न को डिफाइन कर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल एक लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है पी डॉट डॉट, द एबव कोड डिफाइंस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। ये रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न को डिफाइन कर रहा है। दिया हुआ कोड हमारा क्या कर रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न को डिफाइन कर रहा है। द पैटर्न इज एनी फोर लेटर स्ट्रिंग। पैटर्न हमारा क्या है, किसी भी फोर लेटर या लेटर स्ट्रिंग का है, स्टार्टिंग विद पी से जो स्टार्ट हो रहा है एंड एंडिंग विद डी डी पर एंड हो रहा है हमारा। हम लोग देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। इसके एक एक्सप्रेशन हमने दी है पी डॉट डॉट डी। अब हमें क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग हमारे दी हुई है, मैच्ड है, हमारा मैच है या नहीं है ये हम लोग चेक करेंगे। ये हमारी टेबल है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने एक्सप्रेशन यहाँ पर राइट कर दी और पी बी डी लिखा हुआ है। तो ये हमारा मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल थ्री कैरेक्टर हैं, हमारे यहाँ पे फोर करेक्टर की स्ट्रिंग दी है, इसलिए मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखिए पी डॉट डॉट डी है, हमारा फोर करेक्टर पी ए आई डी पेड है, तो पैड हमारा मैच कर जाएगा क्योंकि फोर करेक्टर हैं और स्टार्टिंग का करेक्टर पी है और लास्ट का डी है हमारा, इसलिए मैच कर जाएगा। पी डबल ई डी ये भी हमारा मैच कर जाएगा पेड, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में पी है और लास्ट में डी है, फोर करेक्टर है हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्लेड, ये क्या करेगा हमारा, ये भी मैच नहीं करेगा। एक तो यहाँ फाइव करेक्टर है, अगर फोर भी होते तब भी हमारा क्या है पी यहाँ पे कैपिटल, अगर कैपिटल होगा तब भी हमारा मैच नहीं करेगा, अगर फोर भी होता तब भी ये हमारा मैच नहीं करता। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ए पेड। अब यहाँ पे ए हमने लगा रखा है, यहाँ पे हमारे करेक्टर कितने हो गए, फोर फाइव सिक्स, सिक्स हो गए, एक बैक एक स्पेस भी है हमारा सिक्स करेक्टर होगा, इसलिए भी ये हमारा मैच नहीं करेगा। अब लोग देखते हैं पाइथन एच ए मॉड्यूल नेम रे। अब यहाँ पे आदि जो हमारा इसका मॉड्यूल नेम है जो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का बना हुआ है पाइथन में ऑलरेडी बिल्ड है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। गाइस हम लोग अपने आईडी में चलते हैं और आईडी में एक एग्जांपल हम लोग इसे करके देख लेते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रोग्राम हमारा वर्क कैसे करता है, ठीक है। और हम लोग अपने आईडी में चलते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपने आईडी में आ चुके हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया, इंपोर्ट आदि लिया है हम लोगों ने, मॉड्यूल हमारा पहले से हम लोगों ने इंपोर्ट कराया है। इस पर हम लोग टेक्स्ट नेम से एक स्ट्रिंग राइट किया है, एक सेंटेंस राइट किया है, द रेन इज स्पैन, ठीक है, रैन द रैन इज स्पैन, ठीक है। एक्स इक्वल आरी डॉट सर्च, हमने यहाँ पे सर्च फंक्शन का आरी सर्च फंक्शन का यूज किया है, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट एक्स कराया हम लोगों ने, इसको प्रिंट रन करा के देखते हैं, देखते हैं हम लोग क्या आता है हमारा। हम लोगों ने जैसे ही इसको रन कराया, देखिए हमारा क्या यहाँ पे आ गया है, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, हम लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, अब यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऑरी डॉट मैच ऑब्जेक्ट स्पैन इक्वल 0.17, 0.17 ये गिनता है हमारे जो लेटर्स होते हैं उनको गिनता है, ये हमारे 17 तक लेटर दिए हुए हैं। मैच इक्वल द रैन इन स्पैन, ठीक है। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को ये समझ में आएगा, एग्जाम्पल अगर आप लोग खुद से करके देखें कोडिंग तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और आप लोग चाहते हैं कि इस पर और ज़्यादा वीडियो मैं बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं बहुत सारी आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी वीडियो बन सकती हैं, मैंने केवल आप लोगों को बेसिक बता दिया क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।